दोस्तों, नमस्ते एवरीवन। आज हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं, बल्कि पूरी मानव जाति एक महासंकट से गुजर रही है। ये कोविड का संकट, महामारी का संकट, और उसकी वजह से किया गया लॉकडाउन, और उसकी वजह से आने वाला आर्थिक संकट, दोनों संकट मिलके ये महासंकट हमारे सामने खड़ा है। तो जान का तो है ही, जहान का भी खतरा है, और ये भी ऐसे समय आया है जिस समय के पिछले 4 सालों में हमारी इंडस्ट्री, रियल इस्टेट इंडस्ट्री, बहुत ही कठिन समय से गुजर रही थी। और ऐसे कठिन समय में ये महामारी और ये महासंकट हमारे सामने आया है। ऐसा लग रहा है कि रात घनघोर तो है, बट इसकी सुबह भी नहीं दिख रही। तो ऐसे समय में हम करेंगे क्या? हमारी बहुत आशाएं थी, और वो आशाओं के चलते हुए बहुत दिन तक हमने राह देखा, पर हमारी सुनवाई हुई नहीं, हमें कुछ रिस्पॉन्स आया ही नहीं। ऐसे चलते हुए हमने सोचा कि अभी क्या करें। एजिटेशन का रास्ता रास्ते पे उतर के इस समय मुमकिन नहीं। तो एमएमआर के सब एसोसिएशन, क्रेडाई को हो, रीडेवलपर्स के हो, मराठी व्यावसायिक बिल्डर्स के हो, सब साथ में आ गए। लगभग 14-15 एसोसिएशन ने मिलकर ये ऑनलाइन एजिटेशन चालू किया, पर फिर भी हमें कुछ दिख नहीं रहा था। और ऐसे चलते हुए इस रात में एक आशा की किरण हमें नजर आने लगी, और वो थी हमारे आदरणीय एक्सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब। अभी इनके बारे में मैं क्या बोलूं? जब जब भी हम इनके पास हमारी समस्याएं लेके गए हैं, हमारी अच्छी सुनवाई हुई है, उन्होंने ध्यान से हमारी बातें सुनी है, बहुत सारे एक्शंस लिए हैं। अगर आप मुझे पूछते हो, जो मला विचार लो खरं सांगायचं तर, कि महाराष्ट्रात फारच कमी नेते आहेत जे दिल्लीला जाऊन तख्तावर बसू शकतात, आणि अशा काही फारच मोजक्या नेत्यांमध्ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं नाव घ्यावंसं वाटतं। सगळं त्यांच्या बाजूनी आहे, युवा नेते आहेत, हुशार आहेत, योग्य वेळेस योग्य पक्षामध्ये असल्यामुळे ही संधी त्यांना उपलब्ध आहे, आणि त्याच आशेने आपण त्यांच्याकडे नेहमीच बघत आलो आहोत। त्यांच्या कारकिर्दीत एवढे चांगले उपक्रम, आता मुंबई मेट्रो ले लीजिए, या फिर बहुत बड़े समृद्धि महामार्ग है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और भी बहुत सारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं। मेट्रो तो सबसे फास्ट मुझे लगता है काम हुआ है, 50% काम के तरफ हम पहुंच गए हैं। ये जो नेता है, उनके पास हम जाना चाहते हैं क्यों? क्योंकि होशियार तो है, बट उनको इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छी समझ है। और आज के हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें चाहिए, उपाय चाहिए, उपचार चाहिए, रिलीफ चाहिए, स्टिमुलस चाहिए, तो ये हमारे लिए एक अच्छा दुआ, एक ब्रिज बन सकते हैं। जहां पे हमारी सुनवाई नहीं हो, वहां पे सुनवाई होने के लिए और अच्छा नाम और अच्छा नेता हमें कहां मिलेगा? तो दोस्तों, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग ऑनरेबल एक्सीएम ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब। नमस्ते सर। थैंक यू। तो अभी मैं, अजय भाई आशर है हमारे एमसीएचआई एमएमआर एक्शन कमेटी के चेयरमैन, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारी गुजारिश है वो फडणवीस साहब के सामने रखिए।
अजय भाई अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, यू आर म्यूट। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नमस्कार साहब, ऑन बिहाफ ऑफ क्रेडा MCHI MMR एक्शन कमिटी वी आर ऑनर्ड टू हैव यू इन दिस वेरी 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 स्पेशल एंड अ वेरी 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 डिफरेंट वेबिनार सर। सर वेरी 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 स्पेशल बिकॉज यू आर अमंग्स अस and very very different is because today what we are going to hand over to you is the future of lakhs of people of India, lakhs of our crow brothers' future, whose life, whose existence, whose entire future is dependent on you. Sir, we at CREDA MCHI MMR Action Committee have unbound faith in your abilities, tremendous respect for your understanding finance and its intricacies, your outstanding grasp of laws, rules and regulations, and above all, we respect the great human being that you are. Sir, my team, my associates, my members, my brothers in the industry have put up the responsibility on me to put up our case before you and plead before you our survival, our revival, and our future. Sir, the formation of this MMR Action Committee is the result of last 4 or 5 years pain, anguish, stress, sleepless nights, and above all, the suicidal tendencies developed in the large number of developers. And you will agree, a few of them have already succumbed to the pressures. Sir, we have taken demonetization, RERA, GST, IBC, surveys, searches, everything in our stride and fought valiantly. Even though there is still a lot of room to improve the ease of business, which is actually only on paper. Sir, the fighter in us is very resilient in nature. Sir, but now heavens have fallen. Firstly, in the form of the deadly COVID-19, the invisible disease for which we have no answers, no medicines, no doctors, nothing. Sir, luckily till now, we have survived that disease, but we don't know how we will be able to fight the second disease and another most deadly disease, which is called the financial meltdown, the economy disease. Sir, for this second disease, you are our only doctor who can take all its ICU patients, handle them, save us by taking our case to the Honorable Finance Minister and the Honorable Prime Minister. Sir, कोई कब हार जाता है? वो जब हार जाता है, वो तब हारता है जब उस पे फाइनेंशियल प्रेशर हो। कोई भी प्रेशर हम सहन कर सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल प्रेशर जो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ चुका है कि
it is damaging our existence. Sir, let us understand, what is this financial pressure? From where is the pressure coming? And why only the government can be our savior? And there is no other savior. Sir, hum logon ne teji aur mandi bahut dekhi hai. Sabhi logon ne anubhav kiya hai. 2008 ki mandi bhi puri duniya ko chha gayi thi. Lekin apne desh mein wo aayi aur chali gayi. लेकिन इस टाइम हमारा जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही पिक्यूलियर है सर. सर, आई वुड लाइक टू शो कपल ऑफ स्लाइड्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैटर. तृप्ति, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू शो द सर द फाइनेंस सिनेरियो ऑफ रियल एस्टेट. Second slide, Trupti. Trupti, next slide. Sir, understanding the repo rate and its movement, sir. Sir, RBI, it is the government will, has reduced the repo rate from 6.5% in January 2019 to 4% in May 2020. It means RBI is clearly able to understand our pain and it is acting accordingly. Sir, iska result ye hona chahiye tha ki humko banko se relief milni chahiye thi. But the relief, go to the next slide. Sir, this is the repo rate reduction versus the change in MCLR rate. In the last 17 months, as I told, the repo rate has gone down so much, but effective change in the MCLR rate is made to the extent of 0.7%, and that too from August 19 to now. Before that, kuch bhi change nahi kiya tha. Next slide, please. Sir, the cost of borrowing of developers. Aap yahan dekhenge. From banks, the developers have 13% the cost, and from HFC and NBFC, it is 16%. So on an average, the spread is between 5% to 8% across banks for loan to developers over and above the MCLR. I'm not mentioning the repo rate. There is sufficient margin between the repo rate and the MCLR, and then the MCLR and the lending rate. Next slide. Sir, the cost of fund of NBFC, HFC, banks versus the cost of lending to developer. Sir, if you see the slide, I have given an example of a portfolio size of say 50,000 crores. Now interest rate by the banks is say 13%. Then the total interest earned by the banks is say 6,500 crores. Now, how the banks fund it is by the capital allocation. The risk-weighted equity capital is 20%, so 10,000 crore. RBI repo link said 2% at 1,000 crore. CASA 35% at said is 17,500 crores. And from FDs 43% at 21,500 crores. Andaje figure hai, thoda plus minus ho sakta hai, but this is how generally what we have understanding is this. Sir, the cost of money by way of equity is 12%. RBI repo linked is 4%. CASA is 1%. Fixed deposit is 5%. On an average, the total interest paid is 2,490 crores. Sir, now look at the interest earned is 6,500 crores and interest paid is 2,490 crores. So a surplus margin of around 4,000 crores in case of banks. In case of NBFC and HFC,
If I read out the entire thing, I will not take time in reading out the entire thing. But here, in the first case, in the banks, the net interest margin is roughly 8%. And if you convert it into ROE, that comes to around 25%. In HFC and NBFC, if we have the similar comparison, it is the cost is a little higher because the equity is larger and the cost of borrowing, the cost of money for other borrowings, it's say 8%. So total interest paid is 4,600. But at the same time, they charge us 3% higher. So again, the surplus margin comes to 3,400. And the net interest margin is 6.80%. So if you convert that into ROE, it comes to roughly 22 to 23%. Next slide, please. Sir, I have three questions of which I have no answer. Sir, why is ROE borrowing cost at an average of the real estate borrowing cost at an average of 15%, one of the highest in the world, when it is secured properly by the properties that we are hypothecating? Sir, banks have cheaper lending rates. Why do banks not lend directly to developers? What is happening? A peculiar scenario is that aaj ke din mein koi bhi bank hame paisa nahi deti. हम सब बैंक घूम चुके हैं लेकिन कोई भी बैंक हमें पैसा नहीं देती. वी हैव टू गो टू एन HFC और NBFC टू टेक द मनी. यू हैव सीन व्हाट इज द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन वी गो टू दिस NBFC एंड HFC. यू हैव सीन व्हाट इज द अर्निंग दैट वी आर शोइंग. इफ अ बैंक गिव्स डायरेक्टली टू अस इवन एट अ लेसर परसेंट इट अर्न्स मोर देन if it gives to NBFC. Sir, wahi agar NBFC ko dete hain, my third point is banks have NIM of 8% in real estate portfolio, while 3% if they lend to NBFCs. Why are they giving up this margins to NBFCs? And why are they not giving us directly? Sir, ye jo prashna hai, it is very difficult to understand. It is the lack of confidence. It is the lack of clear directives. Or is mandi ke daur mein, agar hum ye rates control nahi kar sake, toh hum kaise business kar sakenge? Sir, in the current scenario, looking at these financial implications, let us see what are the reaction of the bankers. The bankers continuously tell ke you reduce rate, and that is only to safeguard their own interest. They have a good margin. They have good, can you remove this slide, please? They have good margin. They have good, they are completely secured, but still they insist on selling at whatever rate is only because they are wanting to safeguard their margin, because all the monies that come in first go to them and then it comes to us. We would have appreciated if the bankers would have told us, no, in this hour of crisis, in this hour of COVID, we are there to support you. Sir, yeah, I would like to show you yesterday's headlines in the newspaper that has come. It clearly says, bankers, government officials, oppose interest SOP under moratorium. Yesterday's Times of India headline, sir. Sir, bankers, only one banker has come and said about it. Government officials, I don't think there is any official statement for it. I don't know who they are. No PSU banker has come out and said this. Sir, why is this being opposed when we have shown you that the margin of profits are so high? Why is government opposing it?
Because what it means is for the next 6 months, if we have to pay the interest, all of the people who are present here, I think we have more than 1,000 people right now on the webinar, and on Facebook, we'll have another 1,000 or more. Sir, all of them, developers, will be definitely turning into an NPA. Because there is no money that we can pay for last 6 months' interest. How are we going to pay? What are we going to do? Sir, this is the fear. This is the reason for the suicidal tendencies. Sir, COVID, we may survive. But the financial life meltdown, we are not going to survive. Sir, sir, of all the developers who are present here, everyone has now got into a financial tangle. Financial tangle because all our properties of today's, all our rights, our future rights, with a right to even, you know, hum aage jo bhi karenge, sab kuch hamare bankers ke paas hai. And there is no way out but to succumb to all these pressures. Sir, isiliye mere prashna hote hain ki aisi system hum kyun kare ki jahan pe humko lending zyada late se lena padta hai, hamare pe continuous pressure hai. Today the margin, as I told you, 25% ROE and 22%, the world over, the ROEs of financial institutions are in single digit, but here it is 25%. Sir, isiliye hamari request hai, why no restructuring should be given to us? Why should not we be given a new lease of life? Why no passing of the interest rate benefit to us by the banks? Why payment of interest during moratorium? Sir, you are our only hope. And if we don't get this relief, we are going to be nowhere. Sir, hamare sab saathi hai, hamari koi, hum sab ki ek hi awaaz hai ki hamari koi sunwai nahi. Sabko ye lag raha hai ki government policies aisi hai ki jo, sir, most of the people you will be meeting on this webinar are new faces to you. You will agree with me, sir. Sir, ye sab chote builder hai. करीब 2000 की संख्या में MMR रीजन के है, जिसके दो प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट, तीन प्रोजेक्ट चालू है, जो सरवाइव नहीं करेंगे. सर, हम बड़े लोग नहीं है, हम छोटे लोग हैं. हमारी पीड़ा बहुत ही गंभीर है सर. एंड वी डोंट हैव द डीप पॉकेट्स, वी डोंट हैव द एबिलिटी टू सस्टेन, एंड वी आर ओपन अबाउट इट. देयर इज नथिंग हाइडिंग दिस फैक्ट. सर, सर, जब ये 20 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट हुई, तब ये कोई एक्शन कमेटी फॉर्मेशन हुआ नहीं था. बट उसी दिन जब ही सबने देखा कि केवल एक ही चीज हमारे फेवर में है, विच इज एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ बाय रेरा, नथिंग एल्स, तो इन्हीं सबों ने मुझे फोन किया. एंड आई जस्ट टोल्ड देम कि भाई पेन कितना है, लेट अस अंडरस्टैंड. एंड इन 48 आवर्स देर आर ऑलमोस्ट 1,000 पीपल इन द वेबिनार. एंड सबका एक ही था कि सर कुछ करो, अदरवाइज नक्की हमारा खात्मा है, हम कोई सरवाइव नहीं कर सकेंगे अगर हमें रिलीफ नहीं मिली तो. सर, इन सभी की आवाज में आपसे आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि सब बोल नहीं सकते, काफी भय भी है इनको कि अगर बोला तो भी क्या होगा. ये सब ऐसा सोच रहे हैं आज के डेट में कि क्या इस गवर्नमेंट को छोटे छोटे बिजनेसमैन, हमारे जैसे बिजनेसमैन नहीं चाहिए? क्या इस गवर्नमेंट को केवल बड़ी कंपनियां चाहिए, लिस्टेड कंपनियां चाहिए जो ये बिजनेस करे? सर, यही सब हमारे जो प्रश्न है, हम कंफ्यूज है. हमने सभी ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को वापस चुन के लाया है. सर, इन स्पाइट ऑफ ऑल द फ्लेम्स, वी वेर अंडरस्टैंडिंग के व्हाटएवर इज हैपनिंग इज क्लीनिंग ऑफ द इंडस्ट्री, एंड वी आर वेरी हैप्पी
whatever is, we have embraced all the changes, sir. हमें हमारी सब लोगों की एक ही गुजारिश है, एक ही है कि हमें सुनिए, हमको पराया मत करिए, हमको स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मत दीजिए, हमको आपके सिवा कोई भी सराहना नहीं है, अदरवाइज वी विल ऑल अट्रैक्ट डिजास्टर. सर हम्बल अपील विथ आवर फोल्डेड हैंड्स, प्लीज टेक केयर ऑफ अस. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू अजय भाई. नाउ आई कॉल अपॉन अवर प्रेसिडेंट क्रेडाय मुंबई नयन भाई, अ ट्रू एथलीट टू हिज कोर एंड माय गुड फ्रेंड. नयन प्लीज. यस नमस्कार सर एंड ऑल माय फेलो ब्रदर्स. सर मैंने आज मेरी टॉक का टाइटल रखा है, जो भी मैं कहने जा रहा हूं आपको, डेथ बाय स्टार्वेशन एंड डेथ बाय लैक ऑफ अटेंशन. एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई वांट टू जस्टिफाई कि सर व्हाई डू आई कॉल दिस अ टॉक टाइटल डेथ बाय स्टार्वेशन एंड डेथ बाय लैक ऑफ अटेंशन. सर द यूएस इकोनॉमी इट्स साइज इज $21 trillion. रियल एस्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स 12%. $2.40 trillion is the size of the real estate economy in USA. For UK, it is $350 billion. For China, it is $1.06 trillion. For India, it is around $120 billion. In the next 5 to 7 years, our economy will go from $2.5 to $5 trillion. And with the growth in the urban population, which is the main plank of the BJP government, real estate will contribute 10%. So our size will become $500 to $600 billion. The point is, will this become a reality or not? Sir, in the last 3 years, 3 things have happened which has made our industry completely regulated. 1st May, we got the RERA. Today, 3 years are over. 2nd, on 6 January 2012, the fungible FSI regime came, which completely regulated the entire approval process. And thereafter, the very recent Development Control and Planning Regulation announced in November 2018, these 3 things put together led to so much of pressure to all the unethical and other kind of developers that the entire industry is clean today. What is left today is a stock of thousands of hardworking developers who are compliant, who are law-abiding, and who have a very healthy organization with them today, sir. Over the last 3 years, hundreds of representations have been made to the office of the PMO, to the office of RBI, the RBI governor, the finance minister, or to the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, or to the Civil Aviation Ministry or MOEF. But somehow or other, they all have gone to the deaf ears. They are completely aware of our problem, but we are not able to get their attention. Sir, very recently, a 20 lakh crore package was announced. Apart from that, the government also announced a 8 to 10 lakh crore package over the next few years to double the farmer income. 3 lakh crore package for the MSME to give them loans. Sir, all this pumping of the money has not resulted in any revival of the economy, because it will take time for the money to come in, get invested, factories to come, products to come, profits to be earned, and then the economy will be revived. But unlike that, the business model of real estate is completely different, sir. You are aware, sir, that unless I don't have a commencement certificate, I cannot register my project under RERA.
So today, when a bank or a housing finance company is giving a home loan to a flat purchaser, that money directly goes into the project for the construction of the project. Today, when a bank or a FII gives a loan to a developer, he is giving a loan to a developer where land has already been paid by the developer. He brings his own margin of 20-30%, whatever is the requirement of the bank. And then that money goes into the escrow account of RERA, and from there it directly goes into the project. So the point I'm trying to make is, sir, that every paisa that is given to a flat purchaser or to a developer directly results in investment in the economy. This business model is not there in any other industry, whether it is farmer, MSME, steel, automobile, you name the industry, sir. The business model of real estate financing is a very, very safe model, sir. Developer may lose a money, but the bank will never lose a money, because the money is directly going into the project. And once the project is completed, even if the rates are reduced, the developer will lose the money. The bank will get the money back. Sir, we want that the real estate economy should survive, and the real estate economy should be the revival of the Indian economy today, sir. This is very, very clearly evident. In today's petition, what we are going to give to you, sir, is something of non-fiscal incentives, and some of them are also fiscal incentives. None of the fiscal incentives are for the developers. Say, for example, the home loan rate at 5%, or the construction finance at a single digit, or GST as an alternate option with ITC credit, and such other things, sir, which we are asking for, or giving relief to the flat purchaser so that the home loan or the flat cost that he pays gives him an accelerated deduction in terms of his interest and principal repayment. These are the things that we are asking, sir, with the central government. Apart from that, we have our issues with the Ministry of Defense, with the Ministry of Civil Aviation, with the Ministry of Environment and Forest. And I feel, with a ballpark, sir, I'm not an economist, that the maximum cost of all this that we are asking in our today's petition, for if you put the whole country together, may not be even 50,000 crores. May not be even 50,000 crores to the government. But this 50,000 crores will immediately boost 15 lakh crores of housing projects that are registered in India under RERA in different states of India. These 15 lakh crores is today employing 6 crore people, sir. And we all are aware that more than 70-80% of these 6 crore people have left back home. Today, we as developer, I am not feeling very excited to call those workers back, because main bula ke kya karunga, sir? Mere paas paisa hi nahi hai project start karne ke liye. So with these few words, sir, we, as Ajay already mentioned, that there is nobody better than you in our country who understands finance, regulation. You have seen our compliance, sir, today. Every developer has been absolutely compliant as far as RERA is concerned. With these few words, sir, I hand over back to Shailesh and request you, sir, to please take up our cause, have a meeting where you are present with the RBI governor, where you are present when we meet the finance minister, where you are present when we meet the PMO's office. Then only, sir, looking at your face, they will have some fear, some shame, you know, that such a massive leader is sitting in front of us, you know, and the relief needs to be granted, and you can tell them whether this is sufficient or insufficient and get the right package for us, sir. Please save us, sir, from death by starvation and death by lack of attention, sir. Thank you. Thank you very much, sir.
Thank you, Nayan. I want to tell Honorable Fadnavis Saab, sir, our pain is real and that's why we are talking so passionately. Some of the numbers, in fact, when Nayan shared me yesterday, तो मुझे ऐसा लगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ पहुंच सकते हैं. सर, व्हाट वी वांट फ्रॉम गवर्नमेंट इज एन आइडियल एनवायरनमेंट. सर, वी वांट गवर्नमेंट टू वर्क एज कैटलिस्ट सो दैट वी कैन प्रोग्रेस एंड कैन हेल्प इन नेशन बिल्डिंग विद दीज सम डिमांड्स. आई विल कॉल अवर प्रेसिडेंट्स वन बाय वन टू शेयर सम ऑफ अवर पेन पॉइंट. सर, फर्स्ट लेट मी कॉल अवर साइलेंट वर्कर दीपक गोराडिया. आदरणीय फडणवीस जी, नमस्ते. गुड आफ्टरनून ऑल पैनलिस्ट. सर, एज अजय जी एंड नयन हैज एक्सप्लेन द इश्यूज विद आवर इंडस्ट्री, सिंस 2012 आठ साल हुए हैं हम स्लो डाउन से सफर कर रहे हैं. मल्टीपल इसके बाद में इश्यूज आए और 2018 से जो ILFS के इश्यूज आए, ILFS की वजह से लिक्विडिटी का इशू हमारे बिजनेस में आया, फंड अवेलेबल नहीं हुआ और उसकी वजह से हम लोग काफी स्थगन कर रहे हैं. काफी प्रोजेक्ट्स में डिले हो रहा है, कंस्ट्रक्शन काम समय पे नहीं हो रहा है. अभी यही इशू को आगे लेते लेते अभी सडनली ये पेंडेमिक COVID-19 और ये जो पेंडेमिक की आने की वजह से जो इम्पैक्ट हुई है, जो इंडस्ट्री के ऊपर लिक्विडिटी के ऊपर इम्पैक्ट हुई है, वो इम्पैक्ट को लेते हुए आज के साल में अनसोल्ड इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, आगे का समझ में नहीं आ रहा है, कभी रिवाइव होगी इंडस्ट्री, कभी काम शुरू हो पाएगा, मटेरियल जो है तो मटेरियल फैक्ट्री से फैक्ट्री में प्रोडक्शन कभी चालू हो, वहां से मटेरियल हमें कभी मिले, वर्कर्स जो माइग्रेट करके देव गांव गए हैं तो वर्कर्स वापस कभी आएंगे. सो फर्दर आज हम लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम जाएगा टू इंडस्ट्री को नॉर्मल गियर पे आने के लिए. वर्कर्स दिवाली के बाद ग्रेजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं अगस्त ऑनवर्ड, सितंबर अक्टूबर से ग्रेजुअली थोड़े थोड़े आने चाहिए और दिवाली के बाद में हम कुछ इंडस्ट्री को शुरू कर पाए. तो उसके अंदर में जो हमें डिफिकल्टीज जो और इश्यूज है, वो इश्यूज के बारे में बात करते हैं कि आज के तारीख में ये इश्यूज के साथ में काम करना हो तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कम से कम 12 महीना जाएगा रिवाइव होने में. और वो 12 महीने के अंदर में भी जो डिमांड है, वो डिमांड को कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस आए, उसका जो थोड़ा सैलरी कट हुआ है, कहीं जॉब लॉस हुआ है, तो उसके अंदर से रिवाइव होने में फर्दर हमें लगता है कस्टमर्स 6 से 8 महीना कम से कम जाएगा कस्टमर को कॉन्फिडेंस आने में लिए कि हमारे वहां बुकिंग के लिए आए. ये जो सिचुएशन है, तो जैसे अभी अजय जी ने बताया, नयन ने बताया कि रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो 4 times पॉजिटिव मल्टीप्लायर इकोनॉमी में इफेक्ट देता है. वी द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन एम्प्लॉयमेंट, सपोर्टिंग 250 अलाइड इंडस्ट्रीज. तो हमने रिजर्व बैंक के जो अनाउंसमेंट हुए ऑन 27 मार्च एंड 22 मई को अनाउंसमेंट हुए, इन्फ्यूज लिक्विडिटी इन टू बैंकिंग सिस्टम, एक्सटेंडेड मॉरिटोरियम पहले 3 महीने का दिया एंड फर्दर 3 months विद रिडक्शन इन रेपो रेट एक्सेट्रा. बट ऑन रियलिटी ग्राउंड लेवल पे वो जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है. और ये ग्राउंड लेवल पे बिकॉज ऑफ द COVID-19 और ये जो मल्टीपल इफेक्ट की वजह से जो बैडली इम्पैक्ट हुआ है इन आवर इंडस्ट्री को, ये जो जो रिलीफ में जो लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू RBI ने दिया है, उसका कोई बेनिफिट ग्राउंड लेवल पे हमें नहीं मिला है. अभी टू रिवाइव एंड सर्वाइव ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, अवर प्रेयर टू RBI, अवर प्रेयर टू RBI इज ओनली 2 players, sir, we are asking. In these 2 players, one is allow 1 time restructuring of loans. Sir, 1 time of restructuring ke under standard and special mention account and allow moratorium of EMI payment up to March 21. Sir, 6 mahine ka kiya hai, hum March 21 tak moratorium mang rahe hain aur 1 time restructuring of all construction loan mang rahe hain. It will help the struggling business. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए हमें जो भी बैंक की ओर से रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से जो एडिशनल फैसिलिटी हम चाहेंगे, वो पेमेंट शेड्यूल में हमारे जो लिंक होते हैं कंस्ट्रक्शन के साथ में कमिटमेंट का, लोन रिपेमेंट का, तो वो सब फ्लेक्सिबिलिटी 1 time रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हमें मिलेगी. सो अवर हम्बल रिक्वेस्ट इज की काइंडली अलाउ 1 time रिस्ट्रक्चरिंग. हमने RBI के साथ में जो लिखा है वो 1 time रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में लिखा हुआ है
और इसी वजह से लिक्विडिटी क्रिएट होगी, प्रोजेक्ट हम टाइम पे आगे बढ़ा पाएंगे और उसमें जो हमें रीपेमेंट भी करनी है लोन उसका भी पीरियड जो है उसके कमिटमेंट है उसके अंदर भी हम बैंक के साथ जो जिस तरह से आगे का इकोनॉमी मूव होगा उस तरह से हम रिस्ट्रक्चरिंग का करके प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। दिस ओटीआर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी जो हम मांग रहे हैं शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल स्टैंडर्ड अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट और नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट के लिए भी हम मांग रहे हैं। एंड दिस फैसिलिटी बैंक से जो है वो नॉट ओनली बैंक सर, बैंक के साथ में एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है जो हमें कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए सपोर्ट देती है, तो वो सब के अंदर भी सेम बेनिफिट हम लोग को वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का होना चाहिए। दिस विल हेल्प टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड रिवाइव द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। सर सेकेंड पॉइंट हम आरबीआई से मांग रहे हैं वो अलाउ एडिशनल 25% लोन विथ गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन CGCL एज पर अप्रूव्ड सेक्शन लिमिट जो हमारी है उसमें हमें 25% एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए फंडिंग जो मिले तो वो वर्किंग कैपिटल की वजह से हमारा एडिशनल फाइनेंस अवेलेबल होगा प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारे जो कस्टमर्स अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड अभी ये पीरियड में सिलसिला में डिले होगा और हमें आने में कस्टमर्स को जो डिले होने की वजह से कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो वो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसके लिए 25% एडिशनल हम फंडिंग मांग रहे हैं फॉर कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। सो दीज आर आवर टू हम्बल रिक्वेस्ट टू आरबीआई, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग एंड 25% एडिशनल लोन। सर हम उसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मुद्दा आप जिस तरह से आप बढ़िया उठा पाए एंड वी कैन टेक इट कि भाई हमें इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू सभी सेक्टर में ऑल अक्रॉस इंडिया, डेवलपर्स इन मुंबई, डेवलपर इन MMR, डेवलपर इन ऑल ओवर इंडिया में ये जो इश्यूज है लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आरबीआई ये दो इश्यू के ऊपर हमें पॉजिटिव सिग्नल दे तो काफी काफी हमारे इश्यूज के अंदर रिलीफ मिलेगी। दैट इज अवर हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू दीपक। मैं फडणवीस साहब को बोलना चाहूंगा कि सर हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन सब प्रेसिडेंट सब यूनिट्स मिलके है और इतने कम समय में इतने प्रेसिडेंट्स और एसोसिएशन कभी भी साथ नहीं आई सर, तो यही है कि जिसकी वजह से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग डिमांड्स है लेकिन सबका पेन सेम है। ये खाली हमारी नहीं, MMR की नहीं, तो पूरे इंडिया के जो डेवलपर्स है उनकी ये सेम डिमांड्स है। तो मैं वन बाय वन अभी बुलाना चाहूंगा, एक दीपक से दूसरे दीपक, दीपक मेहता जी कल्याण डोंबिवली हमारा जो यूनिट है उसके प्रेसिडेंट। सर नमस्कार साहब। नमस्कार देवेंद्र फडणवीस साहब, मैं दीपक मेहता MCHI कल्याण डोंबिवली यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। सर हमारे यहाँ पे 197 मेंबर्स है जो डेवलपर्स है जो हमारे मेंबर्स है। सर हमारे यहाँ पे एफोर्डेबल सेगमेंट में ज्यादा काम चालू है और हमारे यहाँ पे सर हर एक प्रोजेक्ट में समझो एक एक डेवलपर के दो तीन प्रोजेक्ट चालू है तो अराउंड 500-600 प्रोजेक्ट चालू है। सर सर मेरा ये बोलना है कि नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना है अपना कि हाउसिंग फॉर ऑल, तो हम लोग इजीली पूरा कर सकते हैं बट हमको खाली गवर्नमेंट से जो थोड़ी सहूलत मिलनी चाहिए सर वो हमको मिल जावे तो अच्छा होगा। सर दूसरा मेरा ये बोलना है कि कोरोना और पेंडेमिक की वजह से पूरा देश हिल गया है, हर एक जन का हालत खराब है, हर एक जन का इकोनॉमी भी पूरा खराब है, तो इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए और मेरा ये बोलना है कि होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अभी सर 7.5% चल रहा है, अगर होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया तो कस्टमर को EMI भरने में भी सहूलत मिलेगी। कस्टमर सर 10-10 साल 15-15 साल तक लोन का EMI भरता है और बेचारा थक जाता है, उसको यानी फुल स्ट्रेस में रहता है कि जब कभी उसकी होम लोन पूरी होगी। तो सर आज कस्टमर के लिए, कस्टमर के बेनिफिट के लिए अगर EMI कम होता है और होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आता है तो डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। सर डिमांड क्रिएट होगी तो इकोनॉमी भी रिवाइव होगी, इकोनॉमी रिवाइव होगी तो सर नरेंद्र मोदी जी का सपना भी पूरा हो जाएगा। तो सर मेरा यही रिक्वेस्ट है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन के लिए होना चाहिए तो ही नरेंद्र मोदी जी का सपना सर पूरा होगा। सर मेरा ये आपको रिक्वेस्ट है कि ये जो पिटीशन है हमारी वो आप सेंटर तलक लेके जाइए और होम लोन का जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% करवाया अराउंड सर मेरे हिसाब से 2 साल तलक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए 5%। सर
हमारी ये रिक्वेस्ट है, आप कैसे भी करके इनको बताइए। सर आज की तारीख में मेरा थर्ड जनरेशन नया मेरा बच्चा आ रहा है धंधे में, वो बोल रहा है कि ये धंधे में आऊ कि नहीं। वो यूएस में है, पढ़ रहा है आर्किटेक्ट का। वो बोल रहा है कि सर मुझे वहां पे जॉब करने दो सर, मुझे चलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं आना है। जबकि अपने को रियल एस्टेट में अभी अपने को सर ये कैसे भी करके उनको लाना है, तो भी वो आने को डर रहा है। तो सर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सर ये हमारी पिटीशन का आप आगे जरा जरूर देखिए सर। थैंक यू सर। And I'm unable to start my video. Thank you, Deepak bhai. अब मैं बुलाना चाहूंगा गौतम ठाकर जी, ये हमारे नेरल कर्जत यूनिट बना है, एकदम ही नया नया यूनिट बना है देवेंद्र जी, और उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो गौतम जी प्लीज ज्वाइन किया है। फडणवीस साहब नमस्कार। सचिन म्यूट। फडणवीस साहब नमस्कार। गए महीने एक वेबिनार में आपने कहा था कि मैं आपका रिप्रेजेंटेशन, बिल्डरों का रिप्रेजेंटेशन सेंटर तक भी और स्टेट तक लेके जाऊंगा। तो मुझे काफी खुशी हो रही है आज देख के कि हमारे बिल्डर लोगों ने आप पे रिपोज किया फेथ, और आपको आज हमारी पिटीशन को सेंटर तक ले जाने के लिए हमने आप पे भरोसा रखा है। सर मैं प्रोग्रेसिव नेरल कर्जत एरिया में जो डेवलपमेंट है उनके डेवलपर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे वहाँ लगभग 200 बिल्डर, 55,000 घर जो 15 से 30 लाख के रेंज में बनता, जो एमएमआर रीजन में 15 से 30 लाख में हम बजट में लोगों को घर प्रोवाइड कर रहे हैं। सर मेरी एक अजय भाई ने अपने ब्रीफिंग में बैंक इंटरेस्ट के बारे में बताया आपको, मैं उसको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ सर कि अगर रेपो रेट बैंक जो आरबीआई ने रेपो रेट घटाते वक्त इंस्ट्रक्शन दिया कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आप लोगों में ये बेनिफिट पास ऑन कीजिए, जब वो पास ऑन नहीं होता है तो आरबीआई के रेपो के पास ऑन करने के और बैंकों के डिफरेंस में 1.4% का मिनिमम डिफरेंस है सर। अगर हम उसको कन्वर्ट करें होम लोन के रेट पे, अगर हम वो कन्वर्ट करें सर तो वो 20% का कॉस्ट में फर्क पड़ता है लोगों को। आप इमेजिन कीजिए हर महीना 20% लोग कॉस्ट ज्यादा दे रहे हैं एक घर को, अपने सपनों का घर खरीदने के लिए। और अगर हम ये अफोर्डेबल सेगमेंट 15 से 30 लाख के लोगों के लोन एलिजिबिलिटी और बाकी सारों को कंसिडर करें तो वो उसके महीने के इनकम के कम से कम 10-15% का फर्क करता है सर उसके लाइवलीहुड में। आप इमेजिन कीजिए एक 25,000 कमाने वाले का 3,000 रुपया हर महीना एक्स्ट्रा कट जाता है तो उसके लाइफ में कितना बड़ा फर्क पड़ता है, और उसके होम बाइंग डिसीजन में बहुत बड़ा डिटरेंट आ जाता है सर। दूसरा सर डिमांड साइड में भी अजय भाई ने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में सब बहुत बड़ा एलिमेंट सर फाइनेंस कॉस्ट का भी होता है। अगर हम 15-18% के रेंज में फाइनेंस लेते हैं तो हम कॉस्ट कम करके कैसे लोगों तक घर सस्ते में प्रोवाइड कर सके, और तो ये दोनों मुद्दा सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन आरबीआई से है और सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि इंटरवीन करके इन मुद्दों को बहुत इंपॉर्टेंटली देखा जाए ताकि हम लोगों को अच्छे तरीके से घर प्रोवाइड कर सकेंगे सर, और इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और रिवाइवल आ सकता है इमीडिएटली। थैंक यू, मेरी इतनी ही आपसे अपेक्षा है। Thank you, Gautam ji. Shailesh bhai, I request everybody to keep in time limit. Saab ko fir aage jaana hai. So we are running behind schedule. So everybody, please keep to your limit. Whatever the limit we have given you, 1-1.5. Please. Thank you, Ajay bhai. अगर अभी मैं बुलाना चाहूंगा रमेश भाई को, नवी मुंबई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है रमेश भाई। Is Ramesh bhai there? Yes, sir. Ramesh bhai, unmute yourself. Yes. Sammaniya Devendra ji, Ajay bhai, आज इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी हमारे साथियों, मैं रमेश शाह, प्रेसिडेंट नमदा नवी मुंबई बिल्डर डेवलप एसोसिएशन, 182 मेंबर्स हैं। देवेन जी के कार्यकाल में जो विकास कार्य नवी मुंबई और खास सिडको क्षेत्र में जो हुआ, जिसके कारण इस समय कम से कम 5,100 मीटर से लेके 5,000 मीटर के प्लॉटों पे बांधकाम का कार्य चालू है या चालू था। अचानक ये कोरोना लॉकडाउन की जो परिस्थिति आई, लॉकडाउन के कारण हमारे देश में भी सब बिल्डर भाइयों ने काम बंद किए,
उनके पास जो लेबर था वो सारा महीना डेढ़ महीना कोरोना के खौफ के रमेश भाई कैन यू स्टॉप योर वीडियो सो योर वॉइस कैन बी हर्ड यस बोलिए प्लीज यस तो ये जो 12 मई को अनाउंसमेंट हो गई रेरा के संबंध में रेरा पोजीशन के बारे में 6 महीना समय एक्सटेंड किया गया शायद उस समय किसी को पता नहीं था कि ये कोरोना का जो ये है ये कितना आगे बढ़ेगा अर्थव्यवस्था की क्या परिस्थिति होगी इसकी कोई समझ नहीं थी इमीडिएट एक्शन में वो 6 महीना बढ़ाया गया आज परिस्थिति ऐसी है कि ना लेबर है आप जानते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो सीजनेबल होता है जैसे मार्च अप्रैल मई जून हम लोग मैक्सिमम प्लानिंग करते हैं इस पीरियड में हम लोग कंस्ट्रक्शन काम मैक्सिमम करने का प्रयत्न करते हैं फिर अभी आगे मानसून 4 महीना बहुत ही काम कम होगा उसके अलावा जो 250 प्रकार की इंडस्ट्रीज से हम अपना सामान लेते हैं जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट में यूज होता है ये सामान ये इंडस्ट्रीज भी लॉकडाउन के कारण बंद हो गई इसके कामगार भी अपने अपने गांव कोरोना के खौफ के कारण चले गए हैं ये इंडस्ट्रीज कब चालू होगी कब ये सप्लाई चेन चालू होगी इसका भी आज कोई पता नहीं है तब मैं हम सभी पूरे बिल्डर फैकल्टी की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रेरा का कम से कम पीरियड पोजीशन का जो पीरियड है वो 1 साल बढ़ाया जाए आज 52,000 कंस्ट्रक्शन यूनिट्स पूरे इंडिया लेवल पे उसमें रजिस्टर है अगर ये 1 साल बढ़ाया जाए और आगे अगर अर्थतंत्र अपना स्मूथ नहीं हो रहा है या वर्किंग अपनी स्मूथ नहीं हो रही है तो इसमें 1 साल और आगे बढ़ाने का प्रोविजन किया जाए अन्यथा जो हमारी रियल इस्टेट फैकल्टी है ये मुश्किल में आ जाएगी आगे फाइन्स पेनल्टी लिटिगेशन का भी क्वेश्चन आएगा और ये एक बहुत जेन्युइन डिमांड है कि जो आपके माध्यम से हाउसिंग थैंक यू रमेश भाई थैंक यू लेट अस कीप इट शॉर्ट या रमेश भाई थैंक यू सो मच कैन आई कॉल अभिषेक शर्मा नवी मुंबई यूथ एसोसिएशन प्रेसिडेंट अभिषेक प्लीज कीप इट शैलेश प्लीज कंट्रोल द टाइमिंग शैलेश प्लीज कंट्रोल द टाइमिंग या यस अभिषेक थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी शैलेश भाई नमस्कार आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी My name is Abhishek Sharma. I am president of Youth Association Navi Mumbai. Our association consists of 125 developers under the age of 40. You, sir, with your commendable achievements at a young age, are an inspiration to all of us. Sir, moving on, Pradhan Mantri Awas Yojana, or we know it as PMAY, a scheme under the Visionary Housing for All scheme launched by our Honorable Prime Minister is currently divided into 4 income slabs from maximum annual family income of 6 lakhs to maximum income of 18 lakhs. Amongst these 4 categories, the current benefits are between 2.35 and 2.67 lakhs. Sir, we request that the government should firstly consider raising the maximum income up to 36 lakhs. This will be a game changer for the real estate, sir. Also, if the percentage of subsidy across all slabs can be increased notably and at the best doubled, it will directly benefit the purchaser by increasing purchasing power, thus driving demand and overall growth. Sir, PMAY is a powerful weapon to generate demand. Expanding its horizons would mean including a lot more number of people. Currently, 1.2 crore people have been already benefited from the PMAY scheme. Sir, the revival of our economy along with fulfilling the dream of our dear Prime Minister can be achieved simultaneously with the support and backing of the central government. We request you to get our voice to the highest echelons of power. Thank you, sir. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, Abhishek. Friends, let us welcome our young leader, Mr. Niranjan Davkare. He has just joined us. Welcome, Niranjan ji. Now I call upon Kiran Bhagat ji. Please keep it short, Kiran ji. Sir, mera video start kijiye. Aap boliye. Hello. Ha. Yeah, so please speak. Start ho raha. Please speak. No problem. Forget the video. You please speak. Sahib, namaskar. Mee Kiran Bhagat, President Creda MCHR Raigad. आमचे क्षेत्र जे आहे ते पेन खोपोली
पनवेल अलिबाग नेरळ कर्जत एवढे मोठे आहे. आमच्या असोसिएशन मध्ये 250 प्लस सभासद आहेत. माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आपल्याला व आपले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहेब यांना धन्यवाद देतो की आपण 45 लाखापर्यंत प्रथम घर घेणाऱ्यांना पीएमआय स्कीम अंतर्गत क्रेडिट लिंक सबसिडी स्कीमच्या माध्यमातून सर्वांना आधार देऊन सर्वांचे मनोबल वाढवले आहे साहेब. त्यामुळे भरपूर लोकांचा फायदा झाला आहे. घर हे सर्वांचे स्वप्न असते. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी जे सरकार सहकार्य करते त्या सरकारचे घर घेणारे आयुष्यभर ऋणी राहतात साहेब. तसे मोदीजींनी सर्वांच्या हृदयात आपले स्थान निर्माण केले आहेच. क्रेडिट लिंक सबसिडी स्कीम या स्कीम मध्ये थोडे जर परिवर्तन केले सर तर याचा फायदा जास्तीत जास्त लोकांना मिळेल. त्यामुळे आमच्या इंडस्ट्रीला पण एक बूस्ट मिळेल. जसे की या स्कीमचा फायदा कोणत्याही प्रतिबंध शिवाय संपूर्ण भारतात वाढविला पाहिजे. कारण बऱ्याचशा तहसील भागात या स्कीमचा फायदा मिळत नाही आणि याचा पिरियड पण वाढवला पाहिजे. तसेच साहेब या स्कीमचे लिमिट 45 लाखापर्यंत मर्यादित न ठेवता प्रत्येक प्रथम फ्लॅट घेणाऱ्या खरीददाराला जर फायदा दिला तर सामान्य माणसाच्या हिताचे होईल. साहेब कृपया आमच्या या मागणीचा सकारात्मक विचार व्हावा ही नम्र विनंती. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू किरणजी. बंदिश अजमेरा प्लीज सब सेक्रेटरी. Is Bandish here? I can't see his name in the panel. Bandish, unmute yourself and speak. Unmute yourself. Unmute yourself, Bandish. Yes, yes. Good afternoon, Devendra Swarnadhi ji, and to all my fellow members. Sir, in short, sir, I am going to say about the GST. Sir, the present situation in the real estate industry is facing in the most bad time, since it has high inventory cost. The cost of the indirect tax is approximately 15% and is one of the main factor of high inventory cost. Government has taken the initiative by reducing the GST from 12% to 5%, but had made a small mistake by disallowing the input credit to the developers. Sir, second point is, as you are aware that the sales of the flats is reduced considerably in the last many years. Sir, in view of the above, the government should allow the input credit, which is to be observed on account of the unsold inventory after OC, should be allowed for the liability from the liability of the tax within our new our same project or within the company or the firm. Sir, the third point is to reduce the cost to make it affordable to the customer. Government has to start once again the setup of input credit against the liability. This will enhance the sector as well as it will make affordable to the customer. It will be a win-win situation for both developer and the customer. Thank you Bandish for keeping it short. Vijay sir, and sir, one more thing sir, corona is going to be, we are going to saved by the God. बट सर हमें बचाने के लिए आपको ही सर आगे आना है और हमको सबको बचाना है, वो आपके हाथ में है. थैंक यू. विजय जी लखानी प्लीज. हेलो. अ ग्रेट लीडर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी. नमस्कार सर. सर गवर्नमेंट हैज गिवन बेनिफिट्स ऑफ लोन रीपेमेंट इन टू वेज. वन इज इंटरेस्ट पेड अंडर सेक्शन 24 set off is restricted to 2 lakh rupees. Second is principal amount repaid under section 80C set off is restricted to 1.5 lakh rupees. Sir, both benefits given are not only limited but very less compared to a loan and interest rebate. Sir, our humble request to honorable finance minister to withdraw cap of 2 lakh and 1.5 lakh rupees so that it will help both builder and actual home buyers. Sir, firstly, it will boost sale of flats. Secondly, it will give more benefits to house buyers in income tax, which will tempt them to invest in flats. Third, if sale increase, then will kickstart concession activities also. Fourth, it will help related industry like steel, cement, hardware, sanitary items, contractors, interior designers, laborers and workers also. Sir, it will increase GST collection of the state and central also.
sir, ultimately it will help government fighting with pandemic situation also. Sir, our team members have explained you all our problems. Everyone knows about your way of working and distinct action as per gravity of the work. It's our great pleasure, and we know that you are well aware of the gravity of our problems, and we are very much sure we will get appropriate and great support from your kind selves. Sir, आप जैसे एक बहुत ही ब्रिलियंट एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी को हमारी बातें टेक्निकल वे से डिटेल में समझाना सूर्य देवता को की रोशनी छुपाने के तरह हो जाएगा। लास्ट में इतना जरूर कहूंगा कि आपके साथ ना सिर्फ बिल्डिंग इंडस्ट्री पर पूरी बिजनेस कम्युनिटी की बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सर, हमारे लगभग सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। सर, काम हम कब गवर्नमेंट से करवा सकेंगे हमें मालूम नहीं है, बट इतना तो जरूर गारंटी है कि आपकी मदद से हमारे इजीली हो सकता है। सर, संभाला गया तो इंडिया की इकोनॉमिक भी जानते हैं। थैंक यू। कैन आई कॉल अशित शाह प्लीज? अशित शाह। गुड आफ्टरनून फडणवीस जी एंड ऑल माय फेलो पैनलिस्ट। सर, आई थिंक यू आर अवेयर आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ मीरा विरार MCHI, क्रेडा MCHI यूनिट। वी हैव गॉट 150 प्लस मेंबर्स इन अवर यूनिट एंड वी रियली हाईली अप्रिशिएट फॉर यू टू टेकिंग दिस पिटिशन टू द हाईएस्ट लेवल with your foresight and with your dynamism. Sir, you are the first CM of Maharashtra who has visited Meera Bhayandar 8 to 10 times in last 2 years. And you have specially given us a hearing and solved a lot of our problems locally for Meera Bhayandar. Sir, we would also like to request you to increase the fund size of Swami from 25,000 crores to 1 lakh crore. So the mid-income housing projects will get the maximum benefit. Sir, in 40 years of my company's existence, we have never seen such a tough time in our industry. We are confident that like you have helped and solved the problems of Meera Bhayandar, you will help us to survive these troubled times by getting the best from the central government. Thank you, sir. Thank you, Ashit bhai. Friends, हमने बहुत ही ज्यादा समय देवेंद्र जी का ले लिया है। हमारे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, मुझे मालूम है, और भी कुछ लोगों को बोलना है, बट हमें थोड़ा टाइम की वजह से ये कट शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि काफी टाइम ऊपर हो गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिटिशन वापस अजय भाई शेयर करें एंड वी विल ऑल रिक्वेस्ट देवेंद्र जी टू टेक फॉरवर्ड दिस पिटिशन, also to sign and also to take it forward, retweet it. Thank you, sir. Hello. Yeah. Yes, Ajay. Haan. Mere president dosto, I am very sorry ke apne samay ke abhav ki wajah se mujhe fast forward karna pade. Kuch log jo baat nahi kar sake, Devendra ji se main unse darkhast karunga ke main sabhi ko leke बीच में एक दिन आपका टाइम लेके हम लोग सब लोग आपको पिटीशन को देने और मिलने आ जाएंगे। आप कुछ 5-10 मिनट अभी दे दीजिएगा सर। अभी मेरी आपसे गुजारिश है सर कि ये जो पिटीशन हमारा है, जो मैं हम लोग आपको अभी हैंड ओवर करते हैं, आपने सभी से सुना और हमारे 5-6 लोग जो हमारे 13 एसोसिएशंस का ये संगठन है MMR एक्शन कमिटी एंड हम 13 बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग सब मिलके ये पिटीशन अभी देवेंद्र जी के हाथ में सौंप देते हैं एंड आई विल रिक्वेस्ट हिम टू साइन इट एंड विद दिस वी कैन बी होपफुल। सर, आप अभी हमारे क्या बोलते हैं तारणहारा तो वो है और हमको अब संभाल के आगे लेके जाइए सर। थैंक यू वेरी मच एंड आई वुड नाउ रिक्वेस्ट हिम टू एड्रेस अस। अजय भाई,
यहाँ पर उपस्थित डेवलपर कम्युनिटी के पदाधिकारी और विशेष रूप से बातें रखी ऐसे को डिस्कशन को स्टीयर करने वाले नायक जी जिन्होंने पिटीशन प्रेजेंट किया से अजय भाई आशर और अलग अलग प्रकार के सारे मुद्दे जिन्होंने सामने रखे ऐसे नयन भाई शाह दीपक भाई गोराडिया दीपक भाई मेहता गौतम भाई ठाकर रमेश भाई शाह अभिषेक भाई शर्मा किरण जी बागड़ बंदीश जी अजमेरा विजय जी लखानी अशित जी शाह और अंत में जो वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करने वाले ऐसे जयेश भाई शाह और उपस्थित कई मित्र मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिन्होंने शायद अपनी बात नहीं रखी लेकिन उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये मानता हूं कि कोविड के बहुत ही महत्वपूर्ण समय से वेरी चैलेंजिंग टाइम से हम सभी लोग गुजर रहे हैं और विशेष रूप से अब जब अर्थव्यवस्था को खोलने का समय आया है ऐसे समय सामने में बहुत सारे चैलेंजेस हम सभी को नजर आ रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए कई अलग अलग प्रकार के मेजर्स भी घोषित किए हैं। इसमें से कुछ मेजर्स ये सेक्टर स्पेसिफिक है कुछ मेजर्स ये इन जनरल है और अलग अलग प्रकार से हम कैसे हमारे अर्थव्यवस्था को रिवाइव कर पाए इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारे डेवलपर कम्युनिटी के साथ मैंने इससे पहले दो बार बात की पहले सभी के साथ एमसीएचआई कड़ाई के साथ मेरी बातचीत हुई फिर नरेड़को के राजन बांदलकर जी ने मुझे नरेड़को पे भी निमंत्रित किया तो उनके साथ भी मैंने बातचीत की आप लोगों से उनसे सभी से मैंने प्रश्न समझ लिए और फिर इन प्रश्नों के ऊपर कुछ प्रयास भी मैंने शुरू किए। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो केंद्र सरकार की ओर से अभी तक जो निर्णय आए हैं उसमें सेक्टर स्पेसिफिक निर्णयों में रेरा के संदर्भ में हमको 9 महीने का एक्सटेंशन मिला है और सारी स्टैट्यूटरी परमिशंस को भी ऑटोमेटिक रूट पर 9 महीने का एक्सटेंशन मिला है और उसके साथ साथ बैंकों को बड़े पैमाने पर लिक्विडिटी मिली है। लेकिन सवाल यह है कि लिक्विडिटी हमारे बिजनेस में कैसी आएगी क्योंकि कुल मिलाकर बैंकों का रवैया हमने जो देखा है उसमें रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट के बदलाव के बाद रिवर्स रेपो डिपॉजिट्स में ही बड़े पैमाने पर पैसे का निवेश बैंकों ने किया है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड्स को हम लोग चाहते हैं कि मंजूर किया जाए। वैसे तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे सेक्टर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों का बहुत ज्यादा दखल आता है और राज्य सरकार की ओर से भी हमारी कई मांगे हैं जिसके ऊपर हमने आज इसमें चर्चा इसलिए नहीं की है कि आज हम केंद्र सरकार से संबंधित मांगों पर विचार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि राज्य सरकार के पास उनको इन्फ्लुएंस करने की हम में से कई लोगों की क्षमता भी है तो जिसके चलते
वहां पर भी कुछ निर्णय हमको जरूर करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ज्यादा निर्णय ये राज्य सरकार से संबंधित हमारे होंगे कि जिसमें हमको अलग अलग प्रकार की सहूलियतें मिलेगी और जिससे हमारी जो लिक्विडिटी है वो हम लोग बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। पर मैं अभी राज्य सरकार की उन डिमांड्स में नहीं जाता, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। एक और, मैं विपक्ष नेता हूं तो विपक्षी नेता के रूप में राज्य सरकार के पास आपकी जो डिमांड्स है उसको तो ले जाने की कोशिश करूंगा। और वही जैसा मैंने पिछले बार भी कहा कि आपके प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार के पास भी आपने आज जो पिटीशन में मसले सामने रखे उन मसलों को ले जाकर उसका हल करने की कोशिश मैं करूंगा। बस एक कैवियट मैं पहले ही कह देता हूं कि मैं केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी काम करती है उस पार्टी का मैं पदाधिकारी हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, बट आई एम नॉट अ गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूँ। इसलिए ये इसलिए बताना बहुत आवश्यक है कि कई बार लोग ये भूल जाते हैं। तो मैं चूंकि सरकार में मैं सुनवाई करवा सकता हूँ, इसलिए आपके नुमाइंदे के रूप में सरकार में और आप में सेतु का काम करने का प्रयास मैं इस पिटीशन के माध्यम से करने वाला हूँ। मूल रूप से अगर हमारी जो डिमांड्स है उनको हम एनालाइज करें तो आज जो डिमांड्स आई है उसको हम चार सेक्टर में हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। पहले हमारा जो अकाउंट्स के ऊपर आज स्ट्रेस तैयार हुआ है कोविड के कारण, उस स्ट्रेस को रिलीज करने की हमारी मांग है। दूसरा, अफोर्डेबल रेट्स पर लिक्विडिटी प्रोवाइड हो, यह हमारी मांग है। तीसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रेरा और जीएसटी, ये दोनों के ट्वीकिंग की हमारी मांग है। और चौथी, हम डिमांड बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, अलग अलग योजनाओं का विस्तार करते हुए हम डिमांड कैसे बढ़ा सकते हैं। इन चार कैटेगरीज में हमने अपनी मांगें रखी हुई है, जिसमें विशेष रूप से हमारा स्ट्रेस कम करने के लिए हम लोगों की मांग है कि वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स, इसको मान्यता दी जाए। और मुझे लगता है कि एक अच्छी कोशिश होगी, एक अच्छी पहल होगी अगर वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बैंकों का, एचएफसी का, एनबीएफसी का बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लगा हुआ है, और अब अगर इन एसेट्स का स्ट्रेस रिलीव नहीं किया जाएगा तो यह सारा का सारा पैसा और तकलीफ में आएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये मांग जो आप लोगों ने की है ये काफी लॉजिकल है, और निश्चित ही वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर मैं फिर एक बार सरकार के पास जाकर और उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि बैंकों को उस प्रकार के निर्देश दिए जाए, बैंकों को उस प्रकार से इंडिकेट किया जाए कि दे शुड लुक एट वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग। दूसरा, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की बात है, और विशेष रूप से जो बात आप लोगों ने सामने लाई है कि रेपो रेट तो कम हुआ पर वो पास ऑन नहीं हुआ। द ओनली बैंक विच हैज पास्ड ऑन रेपो रेट इज SBI। अपार्ट फ्रॉम SBI, बैंकों ने कुछ खास किया नहीं है, और HFC और NBFC ने तो बिल्कुल ही नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ये तो सरासर गलत बात है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। RBI ने इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अभूतपूर्व, आई वुड से अनप्रेसिडेंटेड, इस प्रकार की कटौती रेपो रेट में हुई है। लेकिन अगर बैंकें केवल प्रॉफिट का विचार करेगी, जैसे अजय भाई बता रहे थे कि ROE जो है
22% and 25%, अगर इस प्रकार का विचार केवल होगा तो मुझे लगता है कि ये बड़ा तकलीफ की बात ही होगी, और इससे जो इंटेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का और जो इंटेंशन आरबीआई का है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में भी निश्चित रूप से अक्रॉस द बोर्ड ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शुड पास ऑन द रेपो रेट कट टू ऑल देयर कंज्यूमर्स, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इससे लिक्विडिटी की पोजीशन में भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन आएगा। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक बात आपने यहाँ पर रखी है, जिसका फॉलोअप हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। जहां तक रेरा का सवाल है, रेरा में 9 months का तो ऑटोमेटिक रूट पर एक्सटेंशन दिया है, लेकिन उसको और दिया जाना चाहिए ऐसा जो मांग है, तो मैंने उसका नोटिफिकेशन पढ़ा, उसके आगे देने का प्रोविजन किया हुआ है, वो ऑटोमेटिक रूट पे नहीं किया है, बट देर इज अ प्रोविजन, बट उसमें और क्या ईज लाई जा सकती है, जरूर इस बात का विचार हम सब लोग मिलकर करेंगे। जहां तक जीएसटी का सवाल है, तो मेरी जानकारी के अनुसार दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मसला है वो, क्योंकि 5% तो हुआ, लेकिन चूंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट न मिलने के कारण इन्वेंट्री की कॉस्ट पर 18% जीएसटी के कारण जो इसका फायदा है वो पास ऑन नहीं हो सकता, और उससे कुल मिलाकर जो रेट्स है वो बढ़ रहे हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर को करीब करीब सेंट्रल गवर्नमेंट ने समझा हुआ है, एंड टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इट इज ऑलरेडी फ्लैग बिफोर ये जो हमारा जीएसटी काउंसिल है, इट्स फ्लैग बिफोर द जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल चूंकि सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स उसमें है और सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स के पास ये मांग पहुंची है, मोस्ट ऑफ देम एग्री टू इट, तो मुझे लगता है कि इसका निर्णय जल्दी ही होगा, ऐसा मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं। और उसके साथ साथ रिहैब कंपोनेंट पे जीएसटी का जो मसला है उसके संदर्भ में एक गुजरात के हमारे नितिन भाई पटेल, इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी है, मुझे लगता है कि वो लास्ट स्टेज में कमेटी का काम चल रहा है, तो शायद वहां पर भी लेट्स होप कि एक पॉजिटिव रिजल्ट ये हमको मिलेगा। और डिमांड बढ़ाने की दृष्टि से जैसे सीएलएसएस स्कीम के बारे में बात हुई, जिसको करीब इस पैकेज में 70,000 करोड़ रुपया और दिया है केंद्र सरकार ने, तो कुल मिलाकर हम लोगों की मांग यह है कि फर्स्ट बायर की भी व्याप्ति बढ़ाई जाए, और अलग अलग प्रकार की जो डेफिनेशंस है उसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स दी गई है वो दैट शुड बी इंक्रीज्ड, और मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू मुंबई, क्योंकि मुंबई में हम लोगों के लिए अफोर्डेबल ये भी जो कैटेगरी है ये 1 करोड़ की है, ये 75 लाख की है, जबकि अगर दूसरे हम लोग शहर देखे तो अफोर्डेबल का थोड़ा डेफिनेशन बदल जाता है, लेकिन मुंबई के लिए वो और बदलता है। इसलिए ये सारी चीज़ें भी आपने जो रखी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक कुछ प्राथमिक बात मैंने केंद्र सरकार में छेड़ी भी थी, और मुझे लगता है कि जो डिमांड्स आपने रखी हुई है उस पर उनका रुख काफ़ी सकारात्मक है, विशेष रूप से रेपो रेट पास ऑन करना हो या रिस्ट्रक्चरिंग का मसला हो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सकारात्मक है, ऐसा मेरे डिस्कशन से तो भी मैंने पाया है, और इसलिए मुझे लगता है कि उसको थोड़ा पुश करने की आवश्यकता है, और हम ज़रूर उस बात को पुश करेंगे। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी जो है ये हमेशा देश की अर्थव्यवस्था को लेकर नए नए निर्णय लेते हैं, और $5 trillion की इकोनॉमी करना ये उनका लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो वो ये जानते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल विथ हैंडफुल फ्यू पीपल, बट पीपल अक्रॉस द बोर्ड हैव टू पार्टिसिपेट एंड द गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड टू देयर नीड्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि
एक बहुत ही विस्तृत इस प्रकार का पैकेज केंद्र सरकार ने दिया है। अब ये हो सकता है कि भारत इतना बड़ा देश है और इतना डाइवर्स देश है कि शायद हर सेक्टर की सारी नीड्स को वो केटर नहीं कर पाएगा, कुछ चीजें रह भी गई होगी, लेकिन आप यकीन मानिए कि आदरणीय मोदी जी ये चाहते कि विशेष रूप से एम्प्लॉयमेंट देने वाले हमारे जितने सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को हम रिवाइव करें। आपने देखा होगा कि आज HFC और NBFCs को जिस प्रकार से पैसा दिया गया है करीब 70-75 हजार करोड़ रुपया, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि वो लोग लेंडिंग कर पाए, इस दृष्टि से उनके 20% लॉसेस ये केंद्र सरकार ने इंश्योर किए कि एक प्रकार की क्रेडिट गारंटी उनको दी है, सो गवर्नमेंट विल बेयर द लॉसेस अप टू 20%। तो मुझे लगता है कि इससे NBFCs की HFCs की बहुत बड़ी रिस्क कवर हुई है टू लेंड टू द रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन इसके बावजूद आई टोटली एग्री दैट बैंक शुड लेंड, बिकॉज जो डिफरेंस हम लोगों ने दिखाया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और अल्टीमेटली द प्रॉफिट मार्जिन्स और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट, ये जो हमारे प्रेजेंटेशन में आया है उसमें मैं मान्य करता हूँ कि बैंक्स ने ज़्यादा लेंड करना चाहिए, तो उस दृष्टि से भी हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। लेकिन मैं इतना ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी ये भेद नहीं किया कि बिजनेस बड़ा है या छोटा है, छोटे बिजनेसेस के साथ वो हमेशा खड़े हुए, ये तो हमने देखा है कि वो ये मानते हैं कि छोटे छोटे बिजनेसेस यही हम लोगों को आगे ले जा सकते हैं। और सबसे महत्व की बात यह है कि हम सभी को ये पता है आज जिस प्रकार से MSMEs के लिए इस देश के अंदर पैकेज में स्टेप्स लिए गए, ये पाथ ब्रेकिंग है, हिस्टोरिकल है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि हम लोग छोटे बिजनेसेस के साथ खड़े हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारी जो सारी डेवलपर कम्युनिटी यहाँ पर है, कि आपका यह पिटिशन निश्चित रूप से केंद्र सरकार के पास पहुँचेगा। मैंने स्वयं आज आपका पिटिशन लेने से पहले आदरणीय निर्मला जी सीतारमन हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, इनसे बातचीत की, उनको मैंने आगाह किया, उनको मैंने इतला दी कि इस प्रकार का एक पिटिशन मैं स्वीकार रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि उस पिटिशन को मैं आप तक पहुँचाऊँ। और उन्होंने बहुत ही सहर्ष मुझे कहा कि ज़रूर आप उस पिटिशन को लीजिए और वो हमारे तक ले आइए, और उसमें से जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं हम ज़रूर सकारात्मकता के साथ उसके ऊपर विचार करेंगे। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम इसको आप तक पहुँचाना, आपकी सारी चीज़ें अनफिल्टर्ड केंद्र सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और उसमें से अपनी कम्युनिटी के सामने आज सारे प्रॉब्लम्स आए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, और आज के पोस्ट कोविड सिनारियों में हम लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का सम्मान भी करना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो मदद कर सकते हैं वो करनी भी चाहिए, तो मदद हम लोग जरूर करेंगे विश्वास। और विशेष रूप से हमारा जो मोदी जी का सपना है अफोर्डेबल होम्स का, आप सब लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे, विश्वास व्यक्त करते हुए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपने थैंक यू देवेंद्र जी, ये बहुत अच्छी चीज है आपने बताई है। फडणवीस जी, हम सब आपके आभारी है। एक हमने जो पिटिशन दिए उसमें अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इश्यूज जो FM मैडम के साथ है, उसके अलावा एक पूरी साहब के साथ भी है, और आपने पिटिशन का भी इश्यू दिया हुआ है और नेवी का हुआ, मैं जरूर उन तक भी वो पहुंचाऊंगा। हमारे एक सदस्य है हरीश भाई जैन काली, वो आपको एक सेकंड में यानी 5 मिनट में तुरंत बोलेंगे। हरीश भाई क्विकली फिनिश योर पॉइंट। नमस्कार देवेंद्र जी, हरीश जैन फ्रॉम ब्रांड मुंबई डेवलपर एसोसिएशन सर, बेसिकली रिप्रेजेंटिंग रीडेवलपर्स सर। रीडेवलपर के 3 इश्यूज हमने इस पेटिशन में लिए हैं सर। सर एक GST ऑन रिहैब एरिया,
जो कि फ्री एरिया के ऊपर दैट इज कवर्ड डोंट रिपीट व्हाट इज कवर्ड जस्ट से अबाउट द सिविल एविएशन नेवी का इशू है सर और सिविल एविएशन का इशू है जिसमें आज की तारीख में 25 से 30,000 लोग घर होते हुए भी घर के बाहर है उनकी परमिशन जारी नहीं हो रहे वो थोड़ा सा आप ले लीजिए थैंक यू अजय भाई शैलेश कंटिन्यू सर देवेंद्र जी यू आर ऑन म्यूट सर मैंने कहा कि मुंबई डेवलपर एसोसिएशन का ऑलरेडी मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन पहुंच चुका है एंड आई हैव ऑलरेडी सेंड इट सो आई एम फॉलोइंग इट अप चिंता मत कीजिए आई हैव ऑलरेडी सेंड थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच और हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी से बात की है और उन्होंने इसको फेवरेबली सुना है और जो हम आशा की किरण बात कर रहे थे वो हमें अभी दिखाई दे रही है थैंक यू सो मच फॉर दैट नाउ कैन आई शैलेश भाई ऑलरेडी साहब ने बैटिंग चालू कर दी हमारे लिए एंड वी शुड बी सो मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम के ऑलरेडी उन्होंने चालू कर दिया थैंक यू सो मच सर आप प्लीज कैरी ऑन यस जयेश भाई प्लीज सर आपने सब बोल दिया मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट दैट आई वांट टू ओनली थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डेवलपर एसोसिएशंस ब्रोकर एसोसिएशंस कंज्यूमर एसोसिएशंस एंड ऑल द वैल्यूड मेंबर्स ऑफ आवर रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी आई हैव टू थैंक यू प्रोफ्यूसली फॉर ऑलवेज टेकिंग आउट टाइम फॉर एड्रेसिंग आवर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड feeling we always get a feeling that you are one of us I have to request you to always be a torch bearer for us and advocate our cause which you are already doing so we will remain eternally grateful to you thank you once again jai hind jai maharashtra